इवेंट शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले सबसे पहले हम दौड़ यहां से प्रारंभ कराएंगे। तो हम अपने प्रधानाचार्य जी से भी चाहेंगे कि जब हमारी पहली रेस प्रारंभ होगी तो आप भी वहां पर रहेंगे और हमारे जो अन्य शिक्षक साथी हैं वो अभी वहां पर उपस्थित रहेंगे ताकि बच्चों का उत्साह वर्धन हो सके। और अब इसके बाद हमारा जो दौड़ के कार्यक्रम है वो प्रारंभ होंगे। सबसे पहले सब जूनियर अंडर 14 में 100 मीटर 200 मीटर की रेस हम यहां शुरू करेंगे। तो बाकी अब इसके बाद जितने भी हमारे एथलीट हैं छात्र छात्राएं बिना भगदड़ मचाए यथास्थान अपना अपना बैठ जाएंगे, चाहे मंच हो चाहे उधर का हमारा वो स्टेडियम की सीढ़ियां हो या इधर हो, कहीं भी आप अपना हो जाइए। और जो हमारे अंडर 14 के 100 मीटर और 200 मीटर के प्रतिभागी छात्र छात्राएं हैं वे तैयार होके यहां हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे। मुझे अपने विद्यालय से भी और भौरसा सरोवर से भी एक इवेंट में अधिकतम 2 या 3 बच्चे आप रखें, क्योंकि भीड़ बहुत हो जाती है तो फिर हमको हेड से करानी पड़ती है, इसलिए हमें हेड से ना करानी पड़े। क्योंकि देखिए 3 ही विद्यालय हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे एक विद्यालय के रहेंगे तो इवेंट हमारे बड़े आसानी से उसमें फाइनल हो जाएंगे। तो अब मैं आप सभी लोगों को अपने ऐसे बोल रहा हूं, और जो भी हमारे अंडर 14 के 100 और 200 मीटर के प्रतिभागी छात्र छात्राएं हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे, आप लोग उधर बैठ सकते हैं सभी लोग।